आज की कथा का जो पावन प्रसंग हम आप लोगों के समक्ष में लेके चल रहा हूं, यह है रामायण और श्रीमद् भागवत दोनों से मिक्स कथा है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और रावण के बीच में समुद्र के पावन घाटी पे युद्ध चल रहा था, युद्ध क्षेत्र में एक तरफ मेघनाद है और दूसरी तरफ लक्ष्मण है, घमासान युद्ध हुआ दोनों वीरों के बीच। अंत में मेघनाद ने शक्ति बाण मार के लक्ष्मण जी को घायल कर दिया। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मार करके उसने धराशायी कर दिया, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब यह मालूम हुआ है कि मेरे लघु भ्राता लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति बाण मार के धराशायी कर दिया, तो आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रोदन कर रहे थे और किस प्रकार से प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ रहे हैं। और यह हमारे परम सम्मानित भैया श्री संत राम यादव जी लखनऊ से आपकी धर्म पत्नी की तरफ से ये सादर कुछ पात्र सादर दान किए जा रहे हैं। भगवान सर्वदा सुख और शांति प्रदान करें, धन्यवाद। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने लक्ष्मण को मूर्छित देख करके हनुमान जी से बुला करके कहा है, हनुमान जी अगर आप और ये हमारे परम सम्मानित भैया श्री संत राम यादव जी लखनऊ से, इनके धर्म पत्नी की तरफ से सादर 200 रुपए पुरस्कार के रूप में आए हुए, सादर सुधन्यवाद। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जी हो। तो देखते हैं जरा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी एक काम करो जरा, प्रभु आज भैया के बिना हमारी भुजा टूटी है, अगर लक्ष्मण जी समर भूमि में मर जाएंगे तो लक्ष्मण जी के मरने के बाद यह हमारा शरीर कोई काम का नहीं रहेगा, एक काम करो जरा, जैसे हो सके तैसे लक्ष्मण भैया के प्राणों को बचाओ। हमने सुना है कि लंका में एक बहुत बढ़िया सुसेन नाम का वैद्य है, अगर तुम लंका में चले जाओ और वैद्य सुसेन को ले आओ और वैद्य सुसेन लक्ष्मण जी का भली प्रकार से इलाज कर दे तो लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। ठीक है प्रभु, मैं अभी लाता हूँ सुसेन वैद्य को। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की आज्ञा पा करके हनुमान जी लंका में गए और लंका में जाकर के हनुमान जी लंका में देख रहे, कहा देख रहे, अरे राम की आज्ञा पाई चले हर साई न देर लगाई, अरे श्री हनुमान जी भैया रे लंका में पहुंचे जाई, श्री राम की आज्ञा पाई चले हर साई न विलंब लगाई, श्री पवन पुत्र बजरंग बली लंका में पहुंच गए जाई, श्री पवन पुत्र बजरंग बली लंका में पहुंच गए जाई, आज हनुमान जी जिस समय लंका में आए तो लंका में आकर के हनुमान जी देख रहे हैं, चारों तरफ पता लगा रहे हैं, लेकिन भाइयों वैद्य सुसेन का कहीं पे पता नहीं लगा, क्योंकि लंका के सारे लोग सो रहे थे। अब हनुमान जी लंका में पूछे तो कैसे पूछे, तो हनुमान जी साथ निराश होकर के वापस सोना चाहते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों तब तक हनुमान जी ने देखा कि कुछ जड़ी बूटियों की दवाई, अरे किस जगह यार तो सूख रही,
जड़ी बूटियों की दवाए किसी और जगह पे सूखी नहीं, पहचान कहे बजी रंग बली, पहचान कहे बजी रंग बली, कोई यही बैत का द्वारा है। हनुमान जी पहचान गए शायद यही बस सुसेन का धाम है। हनुमान जी आगे बढ़े और जिस समय आगे हनुमान जी बढ़े तो बैद सुसेन पलंग के ऊपर सो रहा था। अंजनी सुमन श्री हनुमंत लाल जी ने बैदराज को जब सोते हुए देखा तो हनुमान जी ने क्या किया है भ्राताओं? अरे सोते हुए दस सुसेन बैद को अरे पलंगा सहित के लोहे उठाए, रामा तल में हनुमत पहुंचे पलंगा धरन धरती फेरा। सुसेन देखो अरे खुशी भय सब का पिभल पाए, रामचंद्र हनुमत से बोले बेटा इन को ले जगाए। पलंगा पर झटका धरी मारो बेद सुसेन उठो तो बेहराए, चरण पकड़ ले हनुमंता के और सुसेन कहिर समझाए। कौन नगरिया हम को लाए सो तुम पात और समझाए, हंस के हनुमंत बोलन लागे सुनिए पैदा राज के बात। एकदम से हनुमान जी ने बैद सुसेन को जगाया। बैद सुसेन जिस समय जगा बाकी आंखें खुली तो बैद सुसेन चकभक से आंखें मल करके चारों तरफ देख रहा है। अरे भैया मैं कहां गया? रामा दल में आए गए। अरे यही रामा दल है? अरे वाह जी वाह, लेकिन रामा दल में हमारी किस आवश्यकता के कारण तुमने बुलाया? आवश्यकता क्योंकि लक्ष्मण की शक्ति बाण लगा है, इसका इलाज करना है। तो लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा तो इसका इलाज हमारे पास में कौन सा है? कि तुम ही तो कर सकते हो इसका इलाज। हनुमान जी एक बात याद रखना। क्या? देखो लक्ष्मण जी की शक्ति को वैसी तो मैं ठीक कर देता हाँ। लेकिन थोड़ी अफसोस की बात है। वो क्या है जानते हो? क्या अफसोस की बात है? हाँ। कि हम पे तू रामण के तल का और किस तरह तुम्हारा काम करूं। और किस तरह तुम्हारा काम करूं, मेरी रखी दवाई लंका में, मेरी रखी दवाई लंका में, और कैसे लक्ष्मण को जिंदा करूं।
हनुमान जी, हम तुम्हारा कैसी भला कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? अगर तुमको ये पहले बताना था लंका में, बता देते कि लक्ष्मण मूर्छित है, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, तो कम से कम दवाई की पिटरियां तो ले आते। अब का लक्ष्मण के हम पेट में घुस जाए जो लक्ष्मण ठीक हो जाए? कुछ भी सोचो। अरे कुछ नहीं सोचने को है, एक उपाय है, लेकिन वो तुम्हारे रामादल में कोई की औकात नहीं जो कर ले। कौन सा बोलो? एक बूटी है जो द्रोणागिरी पहाड़ पे है, उस बूटी को कहते हैं मृत संजीवनी बूटी। हाँ। अगर वो मृत संजीवनी बूटी आ जाए द्रोणागिरी पहाड़ से, तो ये लक्ष्मण जिंदा हो सकता है। लेकिन एक बात और बता दूं, ये मृत संजीवनी बूटी राती रात में अगर आ जाए, तो सुबह अगर सूर्य उदय हो गया तो नहीं काम करे। हाँ। तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। अगर रात ही रात में ये अमृत संजीवनी बूटी आ जाए, तो तुम्हारे भैया लक्ष्मण बच जाएंगे। ठीक है। है कोई की ताकत? है। भगवान श्री राम ने जिस समय ऐसी बात सुना है दोस्तों, तो रोई रहे रघुराई, क्या रोई रहे रघुराई, भैया या तिलखन की आई, रोई रहे भैया पे भैया के बिन भुजबल टूटो, भैया के बिन भुजबल टूटो, भैया के बिन भुजबल टूटो, हर काहे जमाना तुम पे रूठो, काहे जमाना तुम पे रूठो, काहे जमाना तुम पे रूठो, कहे यूं रघुराई, कहे यू रघुराई, कर करिया तिलखन भैया की, रोई रहे रघुराई, कर करिया तिलखन भैया की, रोई रहे रघुराई, कर करिया तिलखन भैया की। क्या बोले? हनुमान थोड़ा गिर जाओ, हनुमान थोड़ा गिर जाओ, हनुमान थोड़ा गिर जाओ, कहे यू रघुराई, कहे यू रघुराई, भैया बिन मेरी भुज बल टूटो, कहे यू रघुराई, भैया बिन मेरी भुज बल टूटो, कहे यू रघुराई, भैया बिन मेरी भुज बल टूटो। बोले हनुमान त्रोड़ो गिर जाओ, हनुमान द्रोणा गिर जाओ, हनुमान द्रोणा गिर जाओ, बेटा संजीवनी ले आओ, बेटा संजीवनी ले आओ, बेटा संजीवनी ले आओ, लक्ष्मण भैया तो तुम जाओ, लक्ष्मण भैया तो तुम जाओ, लक्ष्मण भैया तो तुम जाओ, रहे आंसू रहे धरकाई, आंसू रहे धरकाई, भैया के बिन भुज बल टूटो, आंसू रहे धरकाई, भैया के बिन भुज बल टूटो, आंसू रहे धरकाई।
जब आते राम को पाए, 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 हनुमान द्रोणा गिरी आए, हनुमान द्रोणा गिरी आए, हनुमान द्रोणा गिरी आए, लयो पर्वत भारी, लयो पर्वत भारी, भैया के बिन भुज बल टूटो, लयो पर्वत भारी, भैया के बिन भुज बल टूटो, लयो पर्वत भारी, भैया के बिन भुज बल टूटो। और क्या हुआ दोस्तों, ले बूटी रामा दल आए, ले बूटी रामा दल आए, ले बूटी रामा दल आए, वेद सुसेन ने छान पियाए, वेद सुसेन ने छान पियाए, वेद सुसेन ने छान पियाए, लक्ष्मण राम राम कई धाए, लक्ष्मण शक्ति छूट गई, शक्ति छूट गई, भैया के बिन भुज बल टूटे के, प्यारे भाइयों, जिस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बहुत बधाई दिया, वैश्य सुसेन ने वो बूटी को छान घोट करके और पिलाई है। जिस समय वो संजीवनी बूटी को लक्ष्मण जी को पिलाते हैं, आज लक्ष्मण जी राम राम कह के उठ के बैठ गए। दोस्तों, ये तो कथा आप लोग सुनते ही चले आए हो, लेकिन अब आगे की कथा बड़ी विलक्षण है, आप लोग बड़े ही प्रेम के साथ में श्रवण करेंगे। वो शक्ति जो बाण की थी, वो बाण की शक्ति लज्जित हो गई। उस शक्ति बाण की जो शक्ति थी, उसने सोचा आज तलक में जिसके शरीर में लग गई उसे जिंदा नहीं छोड़ा, और ये क्या कारण है, हनुमान संजीवनी बूटी लेके आया और लक्ष्मण बच गया, अब लक्ष्मण बच गया तो हमारी तो जिंदगी को धिक्कार है। तो क्या किया उस शक्ति ने, कबल किया। क्या कबल किया, अब की तो लक्ष्मण बच गयो पर जिंदा ना जाए छोड़ूंगी, अगला जन्म हम ले करके अब मिट्टी में अरमा मोड़ूंगी। उस शक्ति ने कसम खाई कि अब की तो लक्ष्मण बच गया, लेकिन अब की इस लक्ष्मण को मैं बचने नहीं दूंगी, और इस लक्ष्मण को जरूर मैं मार दूंगी। अब मार करके अब देखो, अब की तो हनुमान ने बचा लिया, और अब की इस लक्ष्मण को बचाएगा कौन, तो देखिए वो बाण की जो शक्ति थी, उसने अगला जन्म कहां लिया है और किसके घर में पैदा हुई। कहां लिया उसका अगला जन्म कहां हुआ, श्री सुखदेव जी ये राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, और यहां पे ये कथा संतों का मत है, और भी विचार बनाए क्या। अरे शक्ति श्रोणितपुर गई आई, वो बाण की शक्ति कहां गई, किस शक्ति श्रोणितपुर गई आई, बाणासुर की सुता कहाई, श्रोणितपुर गई आई, बाणासुर की
सुर की सुता कहाई पाड़ा सुर की सुता कहाई पाड़ा सुर की सुता कहाई सकति श्रोणित पुर गई आई पाड़ा सुर की सुता कहाई शक्ति बाण था उसकी शक्ति निकल करके श्रोणितपुर में महाराज बाणासुर के घर में जन्मी लड़की बन के नाम क्या था श्रोणितपुर गई आई पको शक्ति नाम धराई जब श्रोणितपुर में आई पको शक्ति नाम धराई बिटिया चंद्र बदन उजियारी श्रोणितपुर में जन्मी आई सुर खुशी है मन में पवन द्रव्य लुटाए आंगन में बड़ा सुर खुशी है मन में खूब द्रव्य लुटाए आंगन में श्रोणितपुर में आई श्रोणितपुर में आई सब प्रजा खुशी नंगर में राजा को खुशी है मन में सब प्रजा सब प्रजा खुशी नंगर में राजा को खुशी में मन में सब प्रजा खुशी नंगर में राजा को खुशी है मन में राजा लो है तो भिलुटाई जन्मी श्रोणितपुर में आई याद रखना भाइयों माता और बहनाओं वो बाण की शक्ति यहाँ द्वापर में जन्म लेती है महाराज बाणासुर के महल में श्रोणितपुर में जब श्रोणितपुर में वो लड़की बाण की शक्ति जो थी लड़की बन के पैदा हुई बाणासुर बड़ा ही प्रसन्न है बड़ा ही द्रव्य था और जो कुछ भी चांदी सोना गैया धेनु जो कुछ हुआ तो सुतान में करवा लुटवा जब लड़की सयानी हुई तो वह लड़की का नाम ही शक्ति पड़ गया जब लड़की को नाम शक्ति पड़ गया बड़ी सुंदर लड़की है लड़की धीरे धीरे बढ़ रही है कैसी लड़की है अरे चंदा सो मुखार बिंद स्वभाव कहीं ना जाए चंदा सो मुखार बिंद स्वभाव का ही ना जाए मृग जैसे नैना लख के भंजन उ शर्माए